हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल PCMB डिजिटल ग्रुप को। ये लास्ट वर्कशीट है बेटा, 8वीं क्लास की 31 तारीख की, जिसमें औद्योगिक विपदा के बारे में बताया गया है कि कैसे कभी कभी दुर्घटनाएं विपदा हो जाती है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गई थी जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायी थी, और उसमें 4,000 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड गैस लीक हो गई थी। ऐसे ही 2005 में चाइना में भी गैस को विस्फोट से 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त और 243 मारे गए थे। इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों को अलग से बता सकते हैं, आग की चेतावनी के लिए उन्नत सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, विषैले पदार्थों की भंडारण की क्षमता को कम कर सकते हैं और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण को ला सकते हैं। औद्योगिक विपदा का मुख्य कारण क्या है? तो उसका उत्तर तो ये रहा भाई। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस कारण हुई थी? तो यह एक प्रौद्योगिकीय घटना थी, टेक्निकल फेलियर के कारण जो हुई थी। औद्योगिक विपदा को कम करने के उपायों पर अपना विचार लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमें इन्हें कम करना चाहिए, और कोई याद आए तो वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।